सर सबसे पहला सवाल तो सर ये जानना चाहेंगे कि मनमोहन ठाकुर जो है छत्तीसगढ़ी फिल्मों में विलन के किरदार के लिए फेमस है, फिर दर्शकों के लिए जो है आपका हीरो वाला रोल जो है वो देखना कितना नया होगा? नया इसलिए होगा कि जो विलन कल तक मार खाता था हीरो के हाथ से, जी जो कल तक हीरोइनों को छेड़ता था जी और तमाम वो काम करता था जो एक फिल्म में विलन करता है, जी ठीक है, जी आज उसी को वो सब करते देखेंगे जो हीरो करता था, जी जी जो हीरो से छीनता था, ठीक है ना। जी तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा नया अनुभव होगा कि जिस आदमी को हमने मार खाते देखा 18 सालों से, जी अब वो मार रहा है, जी ठीक है, और इसके जी रिएक्शन भी मिले हैं, कहते जी हैं भैया 18 साल में मारने को मिला है, कूद कूद के मार रहे हो भैया बोलते हैं। तो एक नया रोमांचक अनुभव होगा लोगों के लिए, मेरा ऐसा अनुमान है, क्योंकि मैं विलन होते हुए भी लोगों का जो मुझे प्यार मिला ना विकेश, वो हमेशा हीरो की तरह मिला। जी सर और दूसरा यह है कि मैं जब जब विलन किया जी तब तब मैं अपने आप को हीरो समझ के एक्टिंग करता था कैमरे के सामने। जी मैं ऐसा कल्पना करता था कि जी यार मैं विलन नहीं हूं, मैं हीरो हूं। जी और शायद उसी का कारण है कि जनता इतना मतलब इन्हें मुझे अप्रिशिएट करती है, प्यार करती है। जी और मैंने 26-27 फिल्मों में काम किया है, करीब जी 4 हीरो वाली फिल्म है, जी तो 3 आने वाली है, जी और कोई ऐसा विलन का रोल नहीं किया, कोई भूमिका नहीं किया जी जिसे देखकर मेरी आंखें शर्म से झुक जाए। जी 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 अब सर किया तो विलन ही किया, करेक्टर नहीं किया। जी सर जी सर जी सर लोगों को लगता है, मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएगा। जी सर जी सर सर जो फिल्म की कहानी है उसके माध्यम से लोगों तक क्या संदेश पहुंचेगा सर? माटी मोर मितान का एक कहानी का संदेश ये है जी कि आप दुनिया घूम लो, जी कहीं भी चले जाओ, किसी भी पद में पहुंच जाओ, जी जो सुकून, जो सुख, जो जी बरकत जो है वो आपके गांव की माटी आपको देगी। जी वो दुनिया की कोई बड़ी ऐशो आराम, भौतिक सुविधा, पैसा नहीं दे सकता। जी अंततः लौटना आपको आपकी भूमि में ही है, आपकी धरती में। जी ये संदेश है, बड़ा संदेश आई थिंक। जी कहानी जो है अपने नाम के हिसाब से छत्तीसगढ़ी प्रकृति, छत्तीसगढ़ी संस्कृति के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी में ऐसा क्या अलग आपको देखने मिलता है जो बाकी बनी पहले की कहानियों में नहीं देखिए, कहानी में कुछ भी नया नहीं होता, है? जी वही 7 रंग होते हैं, वही 7 स्वर होते हैं, जी वही 7 दिन होते हैं, जी उन्हीं 7 रंगों में, उन्हीं 7 भावनाओं में, उन्हीं 7 स्वरों में, जी है ना, और चीजें निकाल के हमको उसी को मिक्स करके बनाना पड़ता है। जी और कोई मेकर या कोई एक्टर नया नहीं करता, उसी चीज को नया ढंग से करता है। जी सर जी सर जी सर एक्टिंग में भी करता हूँ, जी फिल्मों में काम में भी करता हूँ, जी विलन में भी हूँ। जी अब आप बोलेंगे कि मतलब बॉलीवुड के विलन से आपकी क्या तुलना, तो मैं जी कहूंगा भाई कि बॉलीवुड का विलन या बॉलीवुड की फिल्में 100 करोड़ 200 करोड़ में बनती है, जी छत्तीसगढ़ की फिल्में 20 लाख 15 लाख में बनती है, जी सर 25 लाख 50 लाख में बनती है। जी सर बनती तो फिल्म है, जी कैमरा वहाँ थोड़ा ऊपर यूज होता है, हाई फाई, जी ज्यादा महंगे स्टार होते हैं, जी उनका व्यापक क्षेत्र होता है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड होता है उनका क्षेत्र, जी हम छत्तीसगढ़ ही करते हैं, हमारा क्षेत्र होता है, तो नया कुछ भी नहीं है, जी बस उसी कहानी को हमारे इर्द गिर्द की जो चीजें हैं उसको हमने नए ढंग से प्रस्तुत किया है। जी सर इस फिल्म में आपके साथी कलाकार उनके बारे में कुछ बताइए सर। मेरे साथ एक हीरो और है, बबलू शर्मा, जी और वो बहुत अच्छे अभिनेता के साथ साथ अच्छे इंसान भी हैं, जी और मेरे साथ मेरी नायिका है धनलक्ष्मी जुमनानी, जी और डायरेक्टर हैं एजाज वारसी जी, जी जिन्होंने मुझे विलन से हीरो बनाने का हिम्मत किया है, जी सर और निर्माता हैं अशोक तिवारी जी जो मतलब रंगरसिया दूसरी फिल्म भी बना चुके हैं, और अशोक तिवारी और निर्माता अशोक तिवारी और निर्देशक एजाज वारसी जी को क्रेडिट जाता है कि 18 सालों के बाद उन्होंने मुझे हीरो बनाया। और जी बाकी कलाकार में संतोष सारथी अच्छे हैं, पुष्पेंद्र जी अच्छे हैं, जी पुष्पा सभी अच्छे हैं, हम लोग जी एक परिवार की तरह काम करते हैं। सर इसमें एक खास रोल जो मेरे हिसाब से आप अब तक निभाते आ रहे हैं विलन का रोल,
इस फिल्म में विलन का किरदार कैसा है और वो कौन निभा रहे हैं? विलन का किरदार इसमें एक तो मामा जी का किरदार है, पुष्पेंद्र सिंह ने किया है जी। जो मेरे साथ जो हीरो है बबलू शर्मा, उसका छोटा भाई रहता है जी, उसको मतलब उसका माइंड डाइवर्ट करके अपने साथ गलत काम में मिलाता है जी। तो विलन देखा जाए तो पुष्पेंद्र सिंह है लीड विलन जी, लेकिन आप संतोष सारथी को भी विलन कह सकते हैं जी, लेकिन वो आखिरी में जाके सुधरते हैं जब मामा की असलियत खुलती है जी, जी सर। तो विलन का किरदार इसमें पुष्पेंद्र सिंह जी ने किया है और मामा के किरदार को उन्होंने जिया है, बहुत अच्छे की जी सर। जी सर, जी सर। सर फिल्म की शूटिंग किन किन लोकेशनों में हुई है, कहाँ कहाँ पे हुई है? मोस्ट प्रोबेबली अपने यहाँ पे सिवनी है, पुराना धमतरी रोड में जी, वहाँ हुई है, और पुरखोती मुक्तांगन में हुई है, कवर्धा में हुई है जी, और गंगरेल डैम में भी शूटिंग हुई है जी, और बस रायपुर है, रायपुर के आसपास, और बहिन जब हुई है जो जी, बता जी। सर फिल्म दर्शकों तक कब तक पहुंचेगी? पहुंच गई है एक तो, और 13 तारीख चार टाकिजों में लगी हुई है, इसके अलावा जो है और कब तक ये सभी दर्शकों के लिए उपलब्ध होगी? 13 तारीख को, आने वाले 13 तारीख, आने वाले 13 तारीख को जी, प्रोबेबली 7 या 8 सेंटर में और खुल जाएगी जी। सर जी सर, सर फिल्म से हटकर कुछ सवाल है मेरे मन में जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सर एक तो सर ये है कि आप मीडिया में जो है कई दिनों से काम कर रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है फिल्म दुनिया से हटकर? देखिए मीडिया मेरे लिए आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल है जी, मैं मीडिया कर्मी या पत्रकार हो नहीं सकता कभी जी, क्योंकि मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, पत्रकार की क्वालिटी नहीं है मेरे जी, अंदर जी। मैं लिख लेता हूँ, अच्छा बोल लेता हूँ, वो बात अलग है जी जी, लेकिन एक जो पत्रकार होता है उसका अलग नेचर होता है जी, जी। चीजों को खबरों को समझने का उसका जो नजरिया होता है वो अलग होता है जी, जी। वो मेरे अंदर आ नहीं सकता जी, मेरे लिए एक्सपेरिमेंटल है जी। मैं जीवन में हर वो काम करता हूँ जी जो जो मुझे सामने वाले की तरफ से अवसर मिलता है, जो अवसर मुझे समय जो मुझे अवसर देती है ना जी, जी। तो मैं भरपूर अपने लिए उपयोग करता हूँ और जीवन में जी, जीवन में उसको एक पार्ट के रूप में रखता हूँ जी सर जी। कि भविष्य में अगर मेरे दिन खराब आए या मैं कुछ नहीं कर सका तो ये काम तो कर लूंगा यार मैं जी, ये क्या हुआ जी। तो दिया मेरे लिए एक्सपेरिमेंटल है जी, मैं जी। उसको एक्सपेरिमेंटल के तौर पे करता हूँ। ठीक है सर जी। सर सर छत्तीसगढ़ी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के जो छत्तीसगढ़ी मीडिया है आपको क्या लगता है कि कितना बढ़ावा देते हैं? देखिए श्याम बेताल साहब ने मेरी 2009 में सुपरहिट मूवी, जब वो घर जाते थे तो उधर से रोड से क्रॉस करते थे श्याम टॉकीज से जी, तो उनकी गाड़ी अक्सर फंस जाती थी जी, जब वो पिक्चर छूटते रहती थी तो जी, तो उन्होंने ड्राइवर से पूछा था यार एक कौन सी पिक्चर, बताया बोले छत्तीसगढ़ी पिक्चर, तो बेताल साहब बोले इतनी चलती है क्या छत्तीसगढ़ी फिल्म? तो उन्होंने बेताल साहब ने लगातार 2.5 साल जी पेज निकाला ग्लैमर पे जी, और उसमें आधा पेज पूरा जी को देते थे वो जी 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 जी। तो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जो डिजिटल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो समय समय पे हमको कवरेज करते रहती, नहीं करती ऐसा नहीं बोलता मैं जी जी जी, बाकायदा महत्व, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में जो महत्व मिलना चाहिए छत्तीसगढ़ी फिल्मों को जी मीडिया में जी, और वो महत्व जो है वो थोड़ा सा मीडिया को अपना नजरिया थोड़ा सा पॉजिटिव हमारे प्रति रखना पड़ेगा जी जी, कि भाई हम भी फिल्म बनाते हैं यार, हम भी मेहनत करते हैं, हम लोग वेक्टर हैं, हम लोग भी पॉपुलर हैं, हमारी भी फैन फॉलोइंग है जी जी, और एक आदमी पैसा लगाता है तो आपका सहयोग अगर मिले मीडिया का जी तो थोड़ा सा मतलब यानी फीडबैक अच्छा मिल जाता है, पुशबैक मिल जाता जी, है जी सर जी सर। अभी तक अच्छा है मीडिया का सहयोग जी जी जी, लेकिन हम लालची होते हैं कलाकार, थोड़ा और सहयोग मिले तो अच्छा है जी जी जी। सर फिल्में जो है अब सिनेमा घरों से निकलकर मॉल्स में, ऑडिटोरियम में आ गई हैं, बॉक्स ऑफिस में आ गई हैं, तो छत्तीसगढ़ी फिल्मों को वहां पर जगह लेने में कितना चैलेंज होता है सर? बहुत बहुत दो टूक शब्दों में अगर मैं बोलूँ ना जी, क्लियर कट मामले जी जी, तो हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्मों को मॉल तक पहुंचने के लिए जी अभी 20 साल और लगेगा जी सर, 20 साल अगर मैं ज्यादा बोल रहा हूँ तो आप 15 कर सकते हैं जी जी सर।
कारण उसका यह है कि हमारी क्षेत्रीय फिल्मों को, मतलब केवल छत्तीसगढ़ी की बात नहीं, सारी क्षेत्रीय फिल्मों को देखने वाले लोग जो होते हैं गांव, गरीब और किसान होते हैं जी, जो दिन भर कमाते हैं, मेहनत करते हैं और इंटरटेनमेंट के लिए उस कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के मनोरंजन करते हैं जी, तो वो थोड़ा सा मॉल तक जाने में ना घबराते हैं जी, यार मॉल में जाएंगे 300-400 रुपया तो जितना कमाए हैं उतना ही खर्चा हो जाएगा जी जी, तो मॉल तक पहुंचने में थोड़ा, अभी जो हालांकि यंग जनरेशन जो आ रही है हमारी जी, वो उनका रुझान थोड़ा सा दूसरे टाइप से हुआ है जी, है ना जी, जी, तो उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी अपन आ जाएंगे मॉल जी जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार क्या काम कर रही है और आपको क्या लगता है कि आगे उनसे क्या करना चाहिए? देखिए छत्तीसगढ़ी फिल्मों को, कलाकारों को या किसी भी क्षेत्र में समाज का जो हो जी, सरकार का नजरिया पॉजिटिव है जी, छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए भी सरकारी नजरिया पॉजिटिव है जी, और पॉजिटिव इसलिए भी कहा जा सकता है कि उन्होंने बकायदा फिल्म विकास निगम की घोषणा की है जी, अभी फिल्म विकास निगम के लिए बकायदा मतलब फंड मिला है जी, और हम में कमी है कि हम जो है वो प्रॉपर वे में सरकार को कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं जी सर, तो जी। हम बड़े कलाकारों में जो लोग हैं छोटे बड़े मिल के एक बार सरकार को कन्विंस करना पड़ेगा कि सर हमारे लिए भी कुछ करिए जी जी जी, और हम आपके लिए भी कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सरकार का नजरिया पॉजिटिव है, आने वाले समय में अच्छा उनका रिजल्ट आएगा जी 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 जी। सर CLIPPER28 के लिए समय निकालने के लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद जी 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 जी, धन्यवाद, थैंक यू सर। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट CLIPPER28।